हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 मैथ्स सब्जेक्ट के लिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2 पे मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म। अभी इसमें सम्स मैंने क्वेश्चंस लिख के रखा है, आपको ये जो सम्स है उसको रिड्यूस फॉर्म से लोवेस्ट फॉर्म पे लेके आना है। ओके, तो पहले अभी यहाँ पे देखो मिक्स फ्रैक्शन है, उसको इसमें कम ये इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं 2 2 अपॉन 3। मैंने बताया है 2 3 6 6 + 2 8 8 अपॉन 3। सो 2 अपॉन 3 × 8 अपॉन 3, तो मैंने बताया 2 8 16 अपॉन 9, तो इसका आंसर आया 16 अपॉन 9। अगर हम उसको डिविशंस पे करते हैं, डिविशंस करेंगे 16 अपॉन 9, 9 के टेबल में 9 1 9, क्योंकि 9 2 18 है, तो 9 1 9 ही आएगा। सो 16 - 9 7 होता है। सो इधर रिड्यूस फॉर्म है 1 7 अपॉन 9। ओके, सो सेकेंड सम्स में जाते हैं। फर्स्ट सम्स अपना आंसर मिल गया है। फर्स्ट सम का आंसर क्या है? 1 7 अपॉन 9। ओके, बाय मिक्स फ्रैक्शन पे ही मैंने फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे सेकेंड पे देखते हैं, इसका आंसर 2 अपॉन 7 × 7 अपॉन 9। 7 7 कैंसिल होता 2 अपॉन 9। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन देखना नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें मिक्स फ्रैक्शन दिया था, इसके लिए आंसर मिक्स फ्रैक्शन पे हमने देखा है। ओके, अभी यहाँ पे थर्ड वाले पे 3 अपॉन 8 × 6 अपॉन 4। ओके, सो यहाँ क्या है, 2 के टेबल में 2 3 2 2। ओके, सो 3 × 3 8 × 2, तो 9 अपॉन 16 आंसर आ गया। ओके, 9 अपॉन 16। अब फोर्थ में देखते हैं, 11 अपॉन 2 ऑफ 3 अपॉन 10, यानी 11 अपॉन 2 × 3 अपॉन 10, अब कैंसिल नहीं होगा, 11 × 3 अपॉन 2 × 10, सो 33 अपॉन 20, ये आंसर आ गया 33 अपॉन 20। अगर इसमें हम मिक्स फ्रैक्शंस पे कर सकते हैं आंसर, क्योंकि इसमें अब ये डिवाइड करेंगे तो 1 13 अपॉन 20 21 जो 20 प्लस 13 13 अपॉन 20। ओके, सो ये अब 1 अपॉन 3 और 15 1 अपॉन 3 15 अपॉन 8, सो 3 1 जो 3 5 जा, सो 5 अपॉन 8 आंसर आ गया। इसमें 5 अपॉन 8 कर दिया हमने। अब ये सम्स में देखते हैं, 4 अपॉन 5 × 12 अपॉन 7। 4 12 जा कितना है, मैं भूल गई, 4 12 जा कितना है 48 48 अपॉन 35, ये आंसर हमने फाइंड किया। अब 9 अपॉन 5 ऑफ 3 अपॉन 5, दैट इज 27 अपॉन 25, ये भी हमने आंसर्स ढूंढ लिया। तो इसमें ये बड़ा नंबर है 27 और 25, तो हम उसका आंसर्स फाइंड कर देते डिवाइड करके, तो 27 एंड 25 1 जो 25 2, सो क्या लिखेंगे आंसर इधर, इज इक्वल टू 1 2 अपॉन 25, ये आंसर आ गया। ओके, कितना इजीली मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया, रिड्यूस फॉर्म पे से लेके लोवेस्ट फॉर्म्स में बहुत ही इजी है। मिक्स फ्रैक्शन उसको सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर दे या प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे फिर मल्टीप्लिकेशन, हम एक दूसरे को मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करते और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करते। ओके, ये एक ध्यान रखना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन का होगा फ्रैक्शन पे, न्यूमरेटर × न्यूमरेटर डिनोमिनेटर × डिनोमिनेटर करते हैं। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं, अगर आ गया भी है, वीडियो आपको बहुत पसंद है, तभी भी वो अच्छे कमेंट्स डाल सकते हैं। अगर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट टाइम जो देखते वो भी सब्सक्राइब कीजिए, आप भूलिए मत कि प्रेस बेल आइकन को दबाने के लिए, क्योंकि अगर आप वो बेल आइकन को नहीं दबाएंगे आपको मेरी कोई भी नोटिफिकेशन न्यू वीडियोज़ की अपलोड की जो भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।